हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएस बाइट एंड व्लॉग्स। आज हम शेयर करेंगे लौकी आलू टमाटर की बहुत ही बेहतरीन वाली सब्जी। जो वेजिटेरियन है उनको तो इसको खा के मजा ही आ जाने वाला है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो कोई और रेसिपी ट्राई कर लो चैनल से। किडिंग, नॉन वेजिटेरियन भी इसको ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है जो हर कोई बना सकता है बहुत आराम से। जब आपका खाना बनाने का मन ना हो, आपको बहुत आलस आ रहा हो, स्पेशली जब आप थक के ऑफिस से आए हैं या कॉलेज से आए हैं, तब आप इसको फटाफट से बना लेंगे और आपको टेस्ट में कोई कमी नहीं लगेगी। तो इसको ट्राई ज़रूर करिए और इन्जॉय करिए। तो रेसिपी के लिए हमने ली है लौकी, एक लौकी थोड़ी आधी लौकी मेरे पास पड़ी हुई थी तो वही मैंने ले ली है, और यहाँ दो आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको अच्छे से मैंने पील ऑफ कर लिया है। और ये जो टोमेटो है इसकी तो मैं प्योरी बनाऊंगी, दो ही टोमेटो लिए हैं, टोमेटो बहुत महंगे हैं तो दो ही ले लो, वैसे दो ही रेसिपी में जाएंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बातें करते करते पील ऑफ हो गया, अब हम इनको कट कर लेते हैं। तो सारी कटिंग चॉपिंग हमारी हो गई है, अब हम एक कुकर ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे ऑयल। सरसों का ऑयल मैंने यहाँ यूज़ किया है। यूज़ करने का तरीका ये है कि एक बार हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लो, अच्छे से इसमें धुआं हो जाए, फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दो और जो भी ज़ीरा वगैरह ऐड करना है उसको ऐड कर दो। सो मैंने यहाँ ऐड किया है ज़ीरा, काले मिर्च, लौंग, दो तीन काले मिर्च और दो तीन लौंग है, और ज़ीरा हाफ टी स्पून है। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, अब वापस से फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे अनियन। अनियन को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। टोमेटो प्योरी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। टोमेटो हमने ऐड किए हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर। थोड़ा सा इसको कुक करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 ग्रीन चिली मैंने यहाँ ऐड की हैं, हरी मिर्च, उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड की है, और बिल्कुल थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, क्योंकि ग्रीन चिली भी ऐड की है तो ज़्यादा तीखा ना हो जाए, तो थोड़ी सी बिल्कुल रेड चिली पाउडर ऐड। तो थोड़ा सा हमने इसको कुक किया, 1-2 टेबलस्पून पानी भी ऐड किया, फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे आलू। अच्छे से आलू को भी हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। लौकी भी ऐड कर देंगे इसमें, लौकी को भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो 1 कप हम यहाँ पानी ऐड कर देंगे, इतना पानी कि हमारी सब्ज़ी हमें दिखनी चाहिए, पूरी तरीके से सब्ज़ी पानी में ना डूबे, बस इतना ही पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। फिर हम इसमें लिड लगा देंगे और इसमें लगा लेंगे सीटी। एक बार सॉल्ट यहाँ पर टेस्ट कर लेना, अगर आपको लगता है कि आपको सॉल्ट ऐड करना है तो ठीक है कर दीजिए, नहीं लगता है तो ऐसे ही इसमें सीटी लगा लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 4 सीटी लगाई है और ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गया है। अब आप इसको ज़्यादा लिक्विड ही रखना चाहते हैं, मतलब राइस के साथ खाना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा और पानी ऐड करके और एक कुकर को खोल के ही, मतलब बिना लिड लगाए ही इसको एक बार कुक कर लीजिए बॉईल आने तक।
कट करके धनिया इसमें ऐड करिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होगा आपका। सो हमारी परफेक्ट सब्जी इज रेडी। आप इसको लंच में या डिनर में बनाइए और इंजॉय करिए। बाय द वे मैं इसको राइस के साथ खाना प्रेफर करूँगी, बाकी आपकी चॉइस है, आपको जैसे खाना है राइस के साथ या चपाती के साथ, चॉइसेस योर। खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए और सब्सक्राइब करिए FS Bite को।